इंदौर नगर निगम द्वारा पिछले दिनों पाटनीपुरा चौराहे पर सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी को हटाने की कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद से ही यहां सब्जी मंडी लगाने वाले परिवार विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदुला के साथ सब्जी मंडी के व्यापारी संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे। विधायक रमेश मेंदुला ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन देकर सब्जी मंडी के व्यापारियों को उचित स्थान देने की मांग की है। विधायक ने संभाग आयुक्त को जगह को लेकर भी बताया कि मालवा मिल चौराहे के पास सब्जी मंडी को लेकर उचित जगह खाली पड़ी हुई है। यहां आदर्श सब्जी मंडी बनाकर इन लोगों को दी जा सकती है, जिससे न ट्रैफिक अवरोध होगा और सालों से सब्जी मंडी लगा रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। विधायक ने बताया कि संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द सब्जी मंडी को लेकर जगह उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो हम भी चाहते हैं कि यातायात सुगम, यातायात में कोई बाधा नहीं हो और इनका रोजगार भी चलता रहे, एक सब्जी मंडी भी व्यवस्थित हो जाए। सड़क पर तो हम कभी ज़्यादा समय तक तो नहीं रह पाएगी, कभी ना कभी तो वो हटेगी, इसलिए उसका स्थायी समाधान हम चाहते हैं। स्थायी समाधान हो जाए, क्षेत्र में मंडी हो जाए, उस क्षेत्र में वो वैसे बीच की जगह मालूम मिल के पास वाली जो नाला है वो पूरे सब्जी मंडी में मालूम मिल पाटनीपुरा की एक जगह आ सकती है, सब लोग व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छी सब्जी मंडी विकसित हो सकती है, एक आदर्श सब्जी मंडी वहाँ बन सकती है। कमिश्नर साहब ने विश्वास आश्वासन दिया है कि वो उसका परीक्षण करना संभव होगा तो उसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।